हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। सो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि मैम आपने रिट्रेचमेंट भी बताया है, आपने ले ऑफ भी बताया है और दोनों में ही इम्प्लॉइज को निकाला जाता है कंपनी से, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और ये अलग अलग ही होते हैं। देखिए, रिट्रेचमेंट में हमने कहा था कि जब सरप्लस की कंडीशन होती है, यानी कि जब एम्प्लॉइज हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं और कंपनी के पास लाइक कंपनी ना इसलिए उन्हें निकालती है क्योंकि एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होता है तब कंपनी निकालती है, तो वो होता है आपका रिट्रेचमेंट। बट ले ऑफ में कंपनी जो है वो कैपेबल ही नहीं है पे करने के लिए, ठीक है। रिट्रेचमेंट आपका परमानेंट बेसिस पर होता है, लेकिन ले ऑफ जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पर होता है। कंपनी जब कंपनी की पोजीशन ठीक होती है तो वो उन एम्प्लॉइज को वापस बुला लेते हैं और एम्प्लॉइज चाहे तो उसको ज्वाइन दोबारा से वो कर भी सकते हैं। तो ये टेम्पररी बेसिस पर उनको निकाला जाता है कि जब कंपनी की कंडीशन ठीक हो जाएगी तब वो एम्प्लॉइज को वापस ले सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रिट्रेचमेंट एंड ले ऑफ, क्लियर हुआ? रिट्रेचमेंट हम किसको कह रहे हैं? है दोनों का, अगर हिंदी मीनिंग देखोगे तो दोनों का हिंदी मीनिंग छटनी ही आता है, बट दोनों में डिफरेंस है। रिट्रेचमेंट में परमानेंट हो रहा है टर्मिनेशन, और जो आपका ले ऑफ है इसमें टेम्पररी बेसिस पर हो रहा है, मतलब ले ऑफ में वापस आने के चांसेस हैं लेकिन रिट्रेचमेंट में नहीं है, इसमें आपका परमानेंटली टर्मिनेशन यहां पर कंपनी जॉब से हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों में प्रोविजंस जो है वो अलग अलग क्रिएटेड हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है। चलिए, आई होप कि क्लियर हो चुका हो। अगेन अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट।